उदाहरण सात, समीकरण 4x ऋण 2x ऋण 5 बराबर 4 धन 6x धन 3 को हल कीजिए। हम उदाहरण जो सात है उसका हल देख रहे हैं। प्रश्न में हमें जो समीकरण दिया गया है वह है 4x ऋण 2x ऋण 5 बराबर 4 धन 6x धन 3। इस समीकरण को हमें हल करना है। तो देखिए, दोनों पक्षों में हमारे पास समान पद हैं, जैसे 4x और 2x हल हो सकता है, इसी प्रकार 4 और 3 हल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4x ऋण 2x क्या हो जाएगा, 2x ऋण 5। और यहाँ पर हम इन दोनों पदों को अगर जोड़ लें तो हमें मिलेगा 6x धन 7। तो हमने क्या किया, समान पदों को जोड़ लिया। समान पदों को जोड़ने पर अब पुनः अब क्या किया जा सकता है, अब हम समानता के नियमों का पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समानता के नियम 1 से हमें क्या करना होगा, 5 को निरस्त करने के लिए दोनों पक्षों में हम 5 को जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमें मिलेगा समानता के नियम 1 से। तो अगला पद हल करने से क्या मिलेगा, 2x बराबर 6x धन 12। हमें प्राप्त हुआ था 2x बराबर 6x धन 12। तो अब इसे हल करने के लिए हम x के पदों को एक साथ कर लें, तो हम इसे हल कर सकते हैं इस प्रकार कि इसे पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा 2x ऋण 6x बराबर 12। फिर अब इसे और हल करें तो 2x और 6x को हल करने से कितना मिल जाएगा, ऋण 4x, और यहाँ पर हमारे पास है 12। फिर से समानता के नियम 4 से यदि हम इसे हल करें तो ऋण 4x बटे ऋण 4 बराबर 12 बटे ऋण 4, ये हमें मिला है समानता के चौथे नियम से, नियम 4 से। तो देखिए बच्चों, अब इसे हम हल करें तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, ऋण 4 एकम ऋण 4, ऋण 4 एकम ऋण 4। यहाँ पर यदि इसे हल किया जाए तो 4 के पहाड़े से अपन इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, और क्योंकि यहाँ ऋण चिन्ह है तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ऋण 3, x बराबर ऋण 3। इस समीकरण को जब हमने हल किया तो हमें समीकरण का मान प्राप्त हुआ है x बराबर ऋण 3। समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन। किसी समीकरण का उपयोग हम गणित में कई प्रश्नों को हल करने में करते हैं, जैसे एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 11 अधिक है। यदि आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर है तब आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमें परिमाप तो दिया गया है किंतु आयत की लंबाई एवं चौड़ाई निकालने के लिए हमें दी गई जानकारी से संबंध जोड़ना होगा। इस प्रकार के प्रश्नों का हल हम समीकरण की सहायता से ज्ञात करना सीखेंगे।